प्रभु ईसा मसीह में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आपने इससे पहले का ये वीडियो देखे होंगे कि ईश्वर के प्यार के बारे में। जैसे मैंने कहा कि ईसाई धर्म में दो ही नियम दिया गया है, प्यार का नियम। पहला है ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से प्यार करो, और दूसरा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यहाँ पर केवल दो ही लेवल का प्यार है। पहला लेवल ऊंचा लेवल है, वो ईश्वर को प्यार करना है। उसके बाद जैसे मैं खुद को प्यार करता हूँ, उसी प्रकार मुझे पड़ोसी को भी प्यार करना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों आज्ञाओं का पहली आज्ञा के बारे में मैंने इससे पहले का एपिसोड में बताया। अभी दूसरी आज्ञा, अपने समान अपने पड़ोसी को भी प्यार करना है। तो सर्वप्रथम हमें यह करना चाहिए, खुद को प्यार करना है, अपने को प्यार करना है। हमारे दुनिया में, हमारे मोहल्ले में हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो स्वयं को, खुद को प्यार नहीं करते। वे उदास हैं कि मुझे थोड़ा और गोरा होना था, मुझे थोड़ा और ऊंचा होना था, मुझे थोड़ा और सुंदर होना था। इसी प्रकार सोचकर अपने जीवन बिताने वाले कुछ ऐसे लोगों को आप लोग देखे होंगे। हमेशा शिकायत हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको रचने वाला ईश्वर है, और ईश्वर हम लोगों को सबसे बेस्ट देते हैं। ईश्वर भला है, ईश्वर प्रेम है, और इसलिए ईश्वर ने हम लोगों को सबसे बेस्ट रूप तरीके से, सबसे उत्तम तरीके से बनाया है, और इसलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर मुझे ऐसा बनाने के लिए। और हमें शिकायत करना सब छोड़ना चाहिए। हमें ऐसे नकारात्मक रीति से सोचना छोड़ना चाहिए कि हमें सब कुछ सकारात्मक रीति से लेना है कि हाँ, ईश्वर ने मुझे सबसे बेस्ट बनाया, मैं सबसे बेस्ट हूँ। और इसी प्रकार हम लोगों को सोचकर हमें खुद से प्यार करना है, और इसी प्रकार हमें पड़ोसी को भी प्यार करना है, क्योंकि पड़ोसी को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो जिस प्रकार ईश्वर हमें प्यार करते हैं, वैसे ईश्वर पड़ोसी को भी प्यार करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 12 में, एक सुंदर वचन है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। हम लोग उम्मीद करते हैं दूसरे लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरे लोग हमें प्यार करना है, आदर करना है, इसी प्रकार हम लोग आशा करते हैं, और वैसे ही हम भी उनके साथ किया करें। ये पूरी संहिता का सार है, और इसी प्रकार आज हम वचन सुनते हैं। तो प्रभु ईसा मसीह से एक बार एक शास्त्री ने, यानी एक गुरु ने पूछा, पड़ोसी कौन है? हमारे डिक्शनरी के अनुसार पड़ोसी कौन है? हमारे घर के पास में रहने वाले, तो उनको हम
पड़ोसी बुलाते हैं, लेकिन वो पड़ोसी है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में एक और व्यक्ति पड़ोसी है, वो हम देखेंगे कौन है पड़ोसी। तो ये बताने के लिए प्रभु ईसा मसीह एक दृष्टांत का उपयोग करते हैं, वह दृष्टांत हम अभी सुनने जा रहे हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत है और ये दृष्टांत का शीर्ष है भले समारी। ये दृष्टांत का शीर्ष है भले समारी, यानि गुड समारिटन। ये बाइबल इंग्लिश भाषा में ये फ्रेज है गुड समारिटन बनना। ये फ्रेज प्रभु ईसा मसीह के ये दृष्टांत से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं बाइबल से इस दृष्टांत को आपको सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। एक छोटा सा दृष्टांत है। ईसा ने उस धर्मगुरु से कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और उस समय ऐसे जाते समय यरूशलेम से यरीको जाते समय वे कुछ डाकुओं के हाथ में पड़ा। ये डाकू लोग उन्हें मारा पीटा, उनका सब कुछ ले लिया और अधमरा छोड़ दिया। और संयोग से एक याजक वही रास्ता से आ रहे थे और ये याजक ने इस व्यक्ति को, अधमरा व्यक्ति को देखा और खतरा कर चला गया, उनकी मदद नहीं की। और उसके बाद एक पुरोहित आया उस रास्ते से, पुरोहित ने भी इस अधमरा व्यक्ति को देखा, नीचे पड़ा हुआ है, और उनको देखकर खतरा कर चला गया, उनकी मदद नहीं की। इसके बाद एक समारी वहाँ से होकर आता है। समारी ने इस व्यक्ति को देखा और उनको तरस आया और वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपने ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिया और उसे कहा, आप इनकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तो इसके बाद प्रभु ईसा मसीह ने सुनने वालों से पूछा, अभी मुझे बताइए ये अधमरा इस व्यक्ति के लिए कौन पड़ोसी निकला। तो उन लोगों ने एक साथ जवाब दिया, ये समारी। तो इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ईसा मसीह कुछ कार्य हमें बताना चाहते हैं पड़ोसी प्यार के बारे में। पहला यह है कि प्रभु यीशु हमसे कहते हैं एक पड़ोसी घर के, ना केवल घर के पास रहने वाले हैं, बल्कि एक पड़ोसी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं। ये हमारे जीवन में सोच में स्पष्ट होना है कि एक पड़ोसी ना केवल हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, बल्कि एक ज़रूरतमंद व्यक्ति पड़ोसी बनता है। और यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह बहुत सोच समझ के ये दृष्टांत को बता रहे हैं। ये समारी के लिए, ये यहूदी, ये अधमरा जो डाकुओं के हाथों में पड़ गया और डाकुओं ने उनमें उनको लूट लिया और अधमरा छोड़ दिया, ये व्यक्ति, ये समारी के लिए
एक शत्रु था। प्रभु ईसा मसीह के समय यहूदी और समारी के लोगों के बीच में शत्रुता थी। यहूदी अपने आप को ऊंचा वर्ग सोचते थे और समारी को घृणित भावना से देखा करते थे और समारी के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं था, यहूदी का कोई भी संबंध नहीं था और उनके साथ भोजन भी नहीं करते थे, काम भी नहीं करते थे, यानी बिल्कुल एक अलग प्रकार का। तो इसलिए प्रभु ईसा मसीह जानबूझकर समारी को वहाँ रखते हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, यीशु हमसे कहते हैं अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति हमारे शत्रु भी क्यों ना हो, उनके उस अवस्था में हम लोगों को उनकी मदद करनी है। संत पौलुस रोमी के नाम पर पत्र में अध्याय 12 वाक्य 20 में कहते हैं, यदि आपके शत्रु भूखा है तो उनको खिलाए, यदि आपके शत्रु प्यासा है उनको पिलाए। इसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म इसी प्रकार विश्वास करते हैं। तो पहला है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति शत्रु हैं तो भी उनकी मदद करना। दूसरा है ये ज़रूरतमंद व्यक्ति समारी के लिए एक दूसरे धर्म का व्यक्ति था और ज़रूरतमंद व्यक्ति दूसरे धर्म का व्यक्ति होने के कारण हम लोगों को उन्हें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि यह दूसरा धर्म का हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ऐसा ना देखे बल्कि उनकी मदद करे। और तीसरा है ये व्यक्ति एक पापी थे। पापी का मतलब यह है कि यरूशलेम से यरीको जा रहे थे। उस समय ऐसा सोच थी यरूशलेम ईश्वर का निवास स्थान है और यरीको पाप का स्थान है। तो इसलिए ये व्यक्ति ईश्वर का निवास स्थान छोड़कर यरीको की ओर जा रहा था और इसलिए वह डाकुओं के हाथों में पड़ गया। और इसलिए पापी व्यक्ति भी अगर आपकी ज़रूरत की उन्हें आवश्यकता है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से ऐसा कहते हैं। इसका उदाहरण हम प्रभु ईसा मसीह में भी देखते हैं। हम सब पापी थे, समस्त मानव जाति। उस समय प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में आकर समस्त हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मर गए। और चौथा है ये व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति हैं, यानी इसराइल और समारिया ये दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। उनके संस्कृति अलग अलग हैं और इसके बावजूद भी प्रभु यीशु हमसे आग्रह करते हैं कि हम उनकी भलाई करें। तो अगर कुछ दूसरे राष्ट्र में कुछ युद्ध चल रहे हैं, कुछ बहुत अफसोस की बात हुई है, दुखित घड़ी हुई है, तो हमारे दिल में वो दर्द होनी चाहिए। हमें उन्हें उनकी मदद करनी है। मुझे याद है मैं केरल से हूँ। 2018 में केरल में बाढ़ आई थी। उस समय बहुत सारे घर पानी में डूब गया। तो तब मैंने देखा टीवी में कि नॉर्थ इंडिया से, पंजाब से, यूपी से और मध्य प्रदेश से आदि राज्यों से बहुत सारे लोग और गेहूँ, चावल, चना, दाल आदि, कपड़ा आदि केरल में पहुँचाए थे। तो इसी प्रकार हम लोगों को, पड़ोसी को,
प्यार करना चाहिए। वहाँ पर उस समय यह नहीं देखा गया कौन कौन से धर्म का है, कौन से समुदाय का है, ऐसा नहीं देखा गया, बल्कि सारे ज़रूरतमंदों की मदद की गई। और इसी प्रकार हम लोगों को हमारे जीवन में मदद करनी चाहिए। और ये व्यक्ति एक दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति है, तो मैं पुनः कहता हूँ, ये समारी जो हैं किसकी मदद की है, एक ज़रूरतमंद व्यक्ति। वह व्यक्ति कौन है? दूसरे धर्म का व्यक्ति है, दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति है, दूसरे शत्रु हैं, और दूसरे संस्कृति का व्यक्ति है, और दूसरे भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति को भी हम लोगों को मदद करना है। इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से आग्रह करते हैं। और यह दृष्टांत द्वारा प्रभु ईसा मसीह एक और बात हमें बताना चाहते हैं, वह इस प्रकार है। यह दृष्टांत प्रभु ईसा मसीह बहुत पहले समाप्त करते हुए सवाल पूछ सकते थे कि कौन पड़ोसी निकला, तो प्रभु ईसा मसीह को वही उत्तर मिलता। जैसे कि आप ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद एक सामारी आया, उनको उस व्यक्ति पर तरस आया, वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। याम पर प्रभु ईसा मसीह को अगर चाहिए तो यह दृष्टांत समाप्त करके सवाल पूछ सकता था कि कौन उस व्यक्ति के लिए पड़ोसी निकला, तो जवाब क्या मिलता कि भला समारी। लेकिन प्रभु येसु वाम पर यह दृष्टांत को समाप्त नहीं कर रहे हैं, प्रभु येसु आगे बढ़ रहे हैं। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठा कर एक सराय ले गया। और यहाँ पर भी प्रभु ईसा मसीह अगर चाहिए तो यह दृष्टांत समाप्त करते हुए वही सवाल पूछ सकता था, कौन डाकुओं पे हाथों पड़ा अधमरा व्यक्ति का पड़ोसी निकला, तो उत्तर मिलता भला समारी। लेकिन येसु ने वाम पर समाप्त नहीं किया और आगे दूसरे दिन उसने सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिया और उसे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यहाँ पर भी येसु ये दृष्टांत समाप्त कर सकते थे, लेकिन येसु ने यहाँ पर भी समाप्त नहीं किया और आगे ये व्यक्ति कहते, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। और यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह ये दृष्टांत समाप्त करते हुए पूछते हैं कि आपकी दृष्टि में ये इनके लिए पड़ोसी कौन निकला है, और येसु को जवाब मिलती है कि भले समारी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है पूरे दिल से, यानी हमारे क्षमता में हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब कुछ हम उस व्यक्ति के लिए कर डालें। हम थोड़ी ही मदद देकर ना चले जाए, आधा ही मदद देकर ना चले जाए, बल्कि हम हमारे पास जो कुछ भी है तन मन धन सब लगाकर अपने आप को पूर्ण रूप से ज़रूरतमंदों के लिए समर्पित करना है। इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से आग्रह करते हैं। यहाँ पर सच में भला समारी कौन है? भला समारी स्वयं ईसा मसीह है, येसु मसीह है। क्योंकि यह स्वभाव को हम किस में पाते हैं?
यीशु मसीह में पाते हैं। जैसे संत पौलुस कहते हैं रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5:10 में कि हम लोग पाप करते हुए ईश्वर के दूर चले गए थे, अपने अपने रास्ता पकड़कर हम भटक गए थे और हम ईश्वर के शत्रु बन गए थे। उस समय ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, सब कुछ उनके पास जो भी था वो एकलौते पुत्र, उससे पहले ईश्वर ने नबियों को भेजा, संतों को भेजा, लोगों की मदद करने के लिए, पापमय जीवन छोड़ दो, त्याग दो, इसी प्रकार समझाने के लिए ईश्वर ने नबियों के द्वारा इन मानव जाति से बात की। लेकिन समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपना प्रेम प्रकट करते हुए अपने एकलौते पुत्र को ही हम लोगों को प्रदान किया, ताकि ज़रूरतमंद मानव जाति के को उद्धार कर सके। यानी मानव जाति पाप करते हुए अनगिनत पाप करते हुए समस्त मानव जाति शैतान के फंदे में पड़ गए थे, और उस समय समस्त मानव जाति अपने पापों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, अंधकार से बाहर नहीं आ पा रहे थे और दासता से, पाप की दासता से स्वयं बाहर नहीं आ पा रहे थे, और उनके पापों के लिए स्वयं प्रायश्चित नहीं कर पा रहे थे। उस समय मदद के रूप में, जब हम ईश्वर के शत्रु ही थे, उस समय मदद के रूप में यीशु मसीह स्वयं हमारे बीच में आए, ईश्वर हमारे बीच में आए, सर्वशक्तिमान ईश्वर शक्तिहीन होकर हमारे बीच में आए, सर्वव्यापी ईश्वर अपने आप को सीमित करते हुए एक देह धारण करते हुए हमारे बीच में आए, सर्वसंपन्न ईश्वर गरीब बनकर हमारे बीच में आए, और इस प्रकार यीशु ने अपने जीवन को हमारे लिए समर्पित किया। संत पौलुस कहते हैं कि भला समारी यीशु मसीह हैं, क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र होने के कारण ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन वो सब उन्होंने छोड़कर एक दास का रूप धारण किया, एक साधारण व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में अवतार लिया। और इतना ही नहीं, प्रभु ईसा मसीह ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक शाप जो है उसका चिन्ह क्रूस को स्वीकार किया, और उस क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान कर दिया। वे पापी नहीं थे, वे ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह थे, यीशु मसीह निर्दोष थे, निष्कलंक थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दास का रूप बनाकर क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने खून बहाकर प्रभु ईसा मसीह ने हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वरदान, यानी जैसे मैंने कहा यह दृष्टांत में कि हमें मदद करते समय अपना सब कुछ, अपनी क्षमता में, अपनी कैपेसिटी में जो कुछ भी है वह सब कुछ दे डालना है, उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने उनके कैपेसिटी में जो कुछ भी था वो है पाप क्षमा और आनंद जीवन, मुक्ति हम लोगों को प्रदान किया है। तो वही यीशु ही हमारे लिए भला समारी है। और इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, मित्रों, हम लोगों को भी हमारे जीवन में एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन बिताना होगा। ईश्वर ने हम लोगों को बनाया है क्या के लिए? खुद के लिए जीने के लिए नहीं, केवल वही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए जीवन बिताने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है।
और इसलिए हम भेदभाव भूले। जैसे कि मैंने एक गाना लिखा है कि उसमें गाने में इस प्रकार लिखा गया है, भूले सभी भेद भाव, ऊंचा नीचा ये सब कुछ हम भूल जाएं और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम जो भी कर सकते हैं वो सब कुछ हम कर डालें। ऐसे करने वाले बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, रोड में एक्सीडेंट के समय वगैरह मैंने देखा है किस प्रकार लोग सब कुछ भूलकर उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद में आ रहे हैं। अगर आप और मैं ऐसा नहीं करते हैं तो हम हमारे सोच विचार बदलें और इस ईश्वरीय स्वभाव को हम अपनाएं और आज से हम एक दृढ़ निर्णय लें कि हम हर पल ज़रूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। थोड़ा सा ही नहीं, आधा सा ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा प्रकार हम लोग मदद करते रहेंगे। इसके लिए ईश्वर आपको कृपा प्रदान करे, ईश्वर आपको ऐसा मनोभाव दे जिस प्रकार यीशु मसीह में हम लोगों ने देखा है। सबको नमस्कार। Swanee Television.